आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की। दिग्विजय सिंह ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र, शिवराज चौहान के खिलाफ दर्ज एफआईआर, बताया 3 साल पुराना कारण। सरकार ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के पाकिस्तानी आका को आतंकवादी घोषित किया। सीबीआई करेगी नादिया गैंग रेप और हत्या मामले की जांच, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया आदेश। वर्ष पर श्रीलंका को गिफ्ट, भारत ने भेजी 11,000 मीट्रिक टन चावल की खेप। आत्मनिर्भर भारत पर जोर, आर्मी चीफ ने सेना में शामिल किए स्वदेश निर्मित बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों की पहली खेप। अदार पूनेवाला बोले, पहली बार भारत में बनी वैक्सीन यूरोप में बेची जा रही है, कोवैक्स का इस्तेमाल बच्चों के लिए। पीएम मोदी ने कहा डब्ल्यूटीओ मंजूरी दे तो भारत अपनी भंडार से दुनिया को खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने को तैयार। स्पाइसजेट के 90 पायलटों पर पाबंदी, नहीं उड़ा सकेंगे 737 मैक विमान। संजय राउत का एमएनएस को करारा जवाब, बोले शिवसेना के खून में है हिंदुत्व, राज ठाकरे बन गए हैं बीजेपी का लाउड स्पीकर। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नवाब मलिक, वकील कपिल सिब्बल ने दी जल्द सुनवाई की मांग। घातक हथियारों की बढ़ती होड़, विश्व शांति के लिए खतरा साबित हो रही है हाइपरसोनिक मिसाइल। दिल्ली समेत कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्र सतर्क, स्वास्थ्य मंत्री ने की विशेषज्ञों के साथ अहम बैठक। स्वदेशी रूप से ही देश में ही विकसित वाहनों को जनरल नवरणे ने सेना में किया शामिल, सरकार के आत्मनिर्भर भारत का पहल का एक और सार्थक कदम। अब एक साथ कर सकेंगे 2 डिग्री कोर्सेज की पढ़ाई, यूजीसी चेयरमैन ने कहा, विश्वविद्यालय की मर्जी पर निर्भर करेगा इस तरह का कोर्स कराना। गलत ट्वीट कर फंसे दिग्विजय सिंह, दर्ज किया गया मामला, शिवराज सिंह चौहान ने लगाया आरोप। यूपी विधान परिषद में भी भाजपा का बहुमत, 100 सीटों वाले उच्च सदन में अब 66 सदस्य। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अप्रैल में लागू हो सकता है मुआवजा कानून, पावर कॉरपोरेशन ने तैयार कराया सॉफ्टवेयर। जिस दल की सत्ता उसी दल का रहा दबदबा, भाजपा से पहले सपा बसपा भी दिखा चुके वर्चस्व। हाईकोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद, वक्फ एक्ट में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन से गैर मुस्लिमों का अधिकार खत्म नहीं होता।
यूपी और बिहार सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका, रेलवे संविदा पर देगा नौकरी। अलीगढ़ में नगर निगम का घर जो बुलडोजर कब्जा मुक्त कराई, 110 करोड़ की भूमि, दुकान और गैराज किए गए ध्वस्त। अयोध्या में ईंट व्यवसायियों के बीच विवाद सुलझने में जुटी पुलिस, स्थानीय प्रशासन जमीन को नहीं करा पा रही है मुक्त। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी, सीएम योगी ने बलिदानियों को किया याद, भारतवासियों के हृदय में राष्ट्र सेवा की ज्योति जागृत करता रहेगा। कुशीनगर में चोरों के हौसले हुए बुलंद, घर का ताला तोड़कर उड़ाया लाखों का माल। में देवर ने की भाभी की कुल्हाड़ी से हत्या, खुद फांसी लगाकर दी जान। सीतापुर में तारकोल मिक्सर गाड़ी में लगी आग, आग लगने से झुलसा एक युवक। दिल्ली में आज हीट वेव से मिलेगा छुटकारा, केरल और असम में बारिश होने की संभावना। एटा में धार्मिक आस्था के नाम पर घोटाला, 99 करोड़ का घोटाला आया सामने। हमीरपुर में गुटखा कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी, सीजीएसटी की कई घंटों से छापेमारी जारी, नोट गिनने के लिए बैंक से मंगाई गई मशीनें। संभल में दबंगों ने की युवक की हत्या, पुलिस ने नहीं की मामले पर कोई कार्रवाई, पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर। श्रावस्ती में गैस के रिसाव से घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। यूपी में राशन की दुकानों और जन सुविधा केंद्रों पर भी मिलेंगे 100 रुपए तक के स्टैंप, प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी होगा आसान। खुली जीप से सफारी पार घूमे मुलायम, निदेशक से बोले धन की जरूरत हो तो बताएं, सरकार से कर लेंगे बात। यूपी में चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर मुख्यमंत्री को योगी अमित शाह और पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई, तो सीएम ने दिया जवाब। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत से अधिक वाराणसी में हार की चर्चा। लंच के नाम पर घंटों गायब रहने वालों पर कसेगी नकेल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बर्दाश्त नहीं करेंगे अनुशासनहीनता। स्कूलों में कोरोना के मामलों से बढ़ी अभिभावकों की दहशत, बच्चों को स्कूल भेजने से कर रहे परहेज। दिल्ली से हरियाणा बिजली ट्रांसफर करने के मामले में टाटा पावर को भी सुनेगा कोर्ट। दिल्ली के फार्म हाउस में गोकशी पर एक की हत्या, 5 आरोपित गिरफ्तार। मेले में प्रसाद के रूप में पिला दिया नशीला पदार्थ, 40 लोग बेहोश, 25 लोग की हालत गंभीर।
जमुई और मुंबई के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान, नोट कर लीजिए दिन, तारीख और टाइमिंग। बदायूं दरवाजे के पास अलाउद्दीन खिलजी ने खाई थी शराब, न पीने की कसम, उसे तलाशेगा। संभावित चौथी लहर ने बढ़ाई लोगों की चिंता, केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट। भाजपा नेता की तलाश में दिल्ली पहुंची पंजाब राजस्थान पुलिस, थाने पहुंची पत्नी ने जताई हत्या की आशंका। हिमाचल से ड्रग्स ला रहे दो तस्करों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर घमासान, पार्टी के 10 विधायक कर सकते हैं बैठक। उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल, धारचूला विधायक हरीश धामी भाजपा में हो सकते हैं शामिल। संत प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार में पूर्णानंद आश्रम में की श्री गुरु चरण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर खींचातानी के साथ बगावत के सुर, यह है विधायकों की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण। मई की रात में फैक्ट्री समेत 4 जगहों पर चोरों ने बोला धावा, लाखों का सामान ले उड़े, कॉलोनी में दहशत। उत्तराखंड कांग्रेस के घटनाक्रम पर भाजपा की नजर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अवसर के रूप में देख रही पार्टी। एक शिक्षक ऐसा जिसने बदली सरकारी स्कूल की तस्वीर, लगातार हो रहा छात्रों की संख्या में इजाफा। उनके शिक्षण संस्थान, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ जारी, 34 स्कूली वाहनों का चालान। देहरादून के स्कूलों के बाहर जाम से निपटने को सड़क पर उतरी पुलिस, ब्राइटलैंड स्कूल ने किया समय परिवर्तन। उत्तराखंड में जल्द आकार लेंगी इको टूरिज्म नीति, 2 सप्ताह के भीतर फाइनल कर दिया जाएगा ड्राफ्ट। अगले माह शुरू हो रही यात्रा, मार्गों पर नजर रखेंगे 170 ड्रोन। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में करोड़ों से बना अस्थाई कोविड अस्पताल, हो जाएगा बंद। खुद को शूट करने वाले रुद्रपुर के परिवहन कर अधिकारी जसवीर सिंह ने दम तोड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में मारे गए 2 पाकिस्तानी सैनिक।
न्यूयॉर्क में दो सिखों पर हमला, 10 दिनों में दूसरी ऐसी घटना, एक आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका को भारत की दो टूक, हम रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदते हैं उतना एक दिन में खरीदता है यूरोप। पाकिस्तान की संसद से पीटीआई का वॉकआउट, पीएम के चुनाव का किया बहिष्कार। कोरोना ने कनाडा ने कोरोना की छठी लहर के बीच बूस्टर डोज किया शुरू। विदेश मंत्री जयशंकर ने की अमेरिका की तारीफ, बोले कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मिली भारत को मदद। चीन में कोरोना के मामलों ने तोड़ा रिकॉर्ड, भारत ने शंघाई में बंद की काउंसलर सेवाएं। गुलाम कश्मीर की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने पीएम मोदी से मांगी मदद, वीडियो संदेश में बताया जान को खतरा। पीएम मोदी और बाइडेन की वर्चुअल बैठक के बाद अमेरिकी अधिकारी की टिप्पणी, कहा रूस चीन संबंधों पर भारत की चिंता, वैश्विक मुद्दों को करेंगी प्रभावित। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर गोलीबारी में 16 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर, आरोपी की तलाश में लगी पुलिस। यूपीआई पेमेंट कर नहीं खरीद पाएंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने रद्द किया सिस्टम। पीएनबी ने शुरू की कार्डलेस नगद निकासी सुविधा, वर्चुअल डेबिट कार्ड भी किया लॉन्च। चौदह अप्रैल को 31,69,000 रुपए के करीब हो सकता है बिटकॉइन। 24 घंटे में बिटकॉइन की कीमतें 0.113% की गिरावट। रेलवे ने कैंसिल के 148 ट्रेनें, लिस्ट में चेक कर सकते हैं अपनी गाड़ी। भारतीय रेल ने नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम की वेबसाइट पर जारी की लिस्ट। पीएम किसान योजना से जुड़े कोई भी समस्या हो तो मदद के लिए नंबर पर कर सकते हैं कॉल। योजनाओं में निवेश करने पर मिलता है 7% से ज्यादा का ब्याज, सभी योजनाओं में डाकघर के जरिए किया जा सकता है निवेश। गौतम अडानी बने दुनिया के छठवें अमीर शख्स, मुकेश अंबानी खिसक गए पीछे। मार्च में उच्च मुद्रा स्फीति के बावजूद इक्विटी सूचकांक पॉजिटिव नोट पर खुले। ईडी के शाओमी इंडिया के पूर्व एमडी मनु कुमार जैन को भेजा समन, जल्द होगी पेशी। मार्च महीने में भारत की खुदरा महंगाई दर 17 महीने के उच्च स्तर के साथ 7% के करीब पहुंची। मैच के पहले बुमराह ने दिया बड़ा बयान, बुमराह ने कहा हम हार नहीं मानेंगे और अपनी टीम को वापस से मजबूत करेंगे। खिलाड़ी अंबाती रायुडू ने 36 की उम्र में लगाया शानदार डाइव, रोबिन उथप्पा ने 88 रन की पारी खेली व शिवम दुबे ने अपने बल्ले में 95 रन की शानदार पारी खेली।
पंजाब के खिलाफ हो सकती है। मुंबई की प्लेइंग 11 चार मैच पहले ही गंवा चुकी है। एड्यू मैकडोनाल्ड ने ऑस्ट्रेलिया के स्थायी कोच की जिम्मेदारी संभाली। फरवरी में जस्टिन लैंगर ने छोड़ दिया था पद। बैंगलोर के खिलाफ मैच में रविंद्र जडेजा ने रिकॉर्ड को किया अपने नाम, बुमराह को छोड़ा पीछे। अंबाती रायडू ने एक हाथ से पकड़ा सीजन का बेस्ट कैच, फैंस बोले उड़ता ना रायडू। आईपीएल 2022 पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है राजस्थान रॉयल्स। ऑरेंज और पर्पल कैप पर भी टीम के खिलाड़ियों का कब्जा। वर्ल्ड कप का श्रेय सिर्फ धोनी को देने पर भड़के हरभजन सिंह, बोले बाकी खिलाड़ी क्या लस्सी पीने गए थे। आरसीबी के खिलाफ तूफानी पारी से सोशल मीडिया पर छाए दुबे जी, फैंस बोले आपके दिल जीत लिया। महेश दुछान और जडेजा के स्पिन में फंसे आरसीबी के बल्लेबाज, सीएसके को मिली पहली जीत। रणबीर कपूर ने अपनी दुल्हनिया के लिए विदेश से मंगवाया खास गिफ्ट, शादी में आलिया को दे सरप्राइज। मैं कहानी लिखने के लिए शराब पीता हूं, केजीएफ डायरेक्टर ने किया नशे की आदत का खुलासा। '46 में राज कपूर ने बनवाया था आरके हाउस, कभी 30 करोड़ के लिए बेचना चाहते थे ऋषि कपूर। जब वहीदा रहमान ने अमिताभ बच्चन को जोड़ा था थप्पड़, पहले ही दी थी बिग बी को चेतावनी। पर्दे पर फ्लॉप हुई अक्षय कुमार की बच्चन पांडे, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर के साथ प्रीति जिंटा ने एंजॉय की डिनर डेट, कहा मेरे बिना सब बोरिंग। प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए हैदराबाद रवाना हुई दीपिका पादुकोण। रणवीर आलिया की शादी की तैयारियों के बीच नीतू कपूर को याद आई अपनी सगाई, पति ऋषि संगशेर की 43 साल पुरानी तस्वीर। आलिया रणवीर की शादी की खबरों के बीच इम्तियाज अली ने किया दावा, कहा आलिया रणवीर जैसा कोई नहीं। बिग बॉस ओटीटी फेम मिलिंद गाबा ने गर्लफ्रेंड प्रिया बेनीवाल से की सगाई, सेरेमनी में शामिल हुए कई सितारे। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।